हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टेक एडमायरर। व्हाट इज़ अप गाइस, कमेंट में बताना। साहब सभी लोग, आज दशहरा है तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं नहीं, कमेंट में बताना। तो गाइस, आपने देख लिया होगा आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन प्लस सेवन या ऑक्सीजन ओएस के स्पेशल फ़ीचर के बारे में। हम यहाँ पर सिर्फ वही फ़ीचर डिस्कस करेंगे जो अपने आप में या तो स्पेशल हैं या फिर यूनिक है, जो और किसी मोबाइल में नहीं मिलते। नॉर्मल फ़ीचर के बारे में हम बात नहीं करेंगे और वन बाय वन हम सारे फ़ीचर डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फ़ीचर हम यहाँ पर देखते हैं जो है मल्टीपल यूज़र। आपने विंडोज़ में देखा होगा, मतलब पीसी में, कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं कि वहाँ पे ये शो होता है कि वहाँ पे कोई दूसरा यूज़र लॉगिन कर सकता है, कोई एडमिन होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी देखिए आप स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए पहला वाला ये मेरी आईडी से, मेरे नाम से लॉगिन है तो यहाँ पे नाम आ रहा है, और दूसरा वाला ऐड गेस्ट। अगर हम इस पर टच करते हैं तो ये गेस्ट मोड में चला जाएगा और वहाँ पर मतलब आपका जो पर्सनल डेटा है वो कुछ भी शो नहीं होगा गेस्ट मोड में जाने से। और तीसरा है ऑप्शन यहाँ पे ऐड यूज़र। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है व्हेन यू ऐड अ न्यू यूज़र दैट पर्सन नीड्स टू सेट अप देयर स्पेस। मतलब जैसे दूसरे मोबाइलों में पैरेलल स्पेस नाम से ऑप्शन आता है, ऐसे यहाँ पे ऐड यूज़र है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो दूसरा आदमी भी लॉग इन कर सकता है और वो अपनी तरीके से इस मोबाइल को कस्टमाइज़ कर सकता है। तो ये काफ़ी स्पेशल फीचर है और डिफरेंस है दोनों में, आप अगर समझ पा रहे होंगे। तो गेस्ट में कोई डेटा शो नहीं होगा, नॉर्मल मोबाइल बन जाएगा कि दूसरे आदमी को कॉल करने के लिए आप दे रहे हो, और ऐड यूज़र में दूसरा कोई भी पर्सन अपनी तरह से मोबाइल को यूज़ कर सकता है, मीन्स ये मोबाइल दो लोगों का हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं। नेक्स्ट फीचर में आपको दिखा देता हूँ वीडियो एनहांसर। तो ये सेटिंग में जाके डिस्प्ले में आता है वीडियो एनहांसर, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये ऑन कर रखा है मैंने। तो आप देखिए ये स्क्रीन पे कि ये वीडियो एनहांसर एक ऐसे करके वीडियो को एनहांस कर देगा। चाहे आप ये वीडियो यूट्यूब पर चलाएं, चाहे किसी प्लेयर में चलाएं, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, किसी भी मोड में हो, ये इस तरीके से वीडियो के कलर वगैरह काफ़ी अच्छे से बूस्ट कर देगा, एनहांस कर देगा और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। तो हमारा सेकेंड फीचर था ये वीडियो एनहांसर। अब हम थर्ड फीचर पर चलते हैं इसके, जो है एम्बियंट डिस्प्ले। एम्बियंट डिस्प्ले भी, ये भी सेटिंग में जाकर ही आता है, डिस्प्ले में जाकर एम्बियंट डिस्प्ले। इस तरह से मैं इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझाना चाहूँगा ये क्या चीज़ है। ये जैसे आजकल के मोबाइलों में जो कॉस्टली मोबाइल आते हैं उनमें ऑप्शन आता है एक ऑलवेज़ स्क्रीन ऑन, उसमें स्क्रीन हमेशा ऑन रहती है, इस तरह से एक ऑप्शन आता है, तो ये उसी का एक तरह से रिप्लेसमेंट है। तो इसमें हमेशा स्क्रीन ऑन नहीं रहती है वन प्लस में, यहाँ पर उसकी जगह पर मेरे को तो पर्सनली ये अच्छा लगा, क्योंकि हमेशा स्क्रीन ऑन रहेगी तो बैटरी खर्च होगी, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, उतनी ही बैटरी जल्दी स्पेंड हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर ये एक फ़ीचर अच्छा है एम्बिएंट डिस्प्ले, इसमें हमेशा ऑन नहीं रहती है लेकिन उसकी तरह वर्क ज़रूर करती है। जैसे पहला ऑप्शन आप पिकअप योर फ़ोन टू शो, अगर ये ऑन होगा तो आप जैसे ही मोबाइल आपका नॉर्मल रखा हुआ है आपने पिक किया, सो वो लाइट अप हो जाएगा, मतलब स्क्रीन ऑन हो जाएगी, उसके बाद आप फिंगरप्रिंट से या फेस से खोल सकते हो। दूसरा टैप द स्क्रीन टू शो, दूसरे ऑप्शन को ऑन करने से क्या होगा, सिर्फ आप एक बार मोबाइल की स्क्रीन को टच कर देंगे ये ऑन हो जाएगा, उसके बाद फिंगरप्रिंट या फेस अनलॉक से खोल सकते हो। तीसरा लॉक स्क्रीन पे, ये वाले आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये डिफ़ॉल्ट मोड ये वाला है। जैसे नो मैंने आपको बताया था कि स्क्रीन ऑन रहती है दूसरे मोबाइलों में तो उनमें ऑलवेज ऑन का जो फीचर होता है, तो वहाँ पर भी इसी तरह से स्क्रीन आती है। ये छोटे छोटे देख रहे हैं आप सिंबल, पहला मैसेज का, फेसबुक का, इस तरीके से नोटिफिकेशन पता चल जाएगा आपको इस चीज़ के आए हैं। और इसमें घड़ी में बहुत सारे मोड हैं वॉच में, देखिए आप दूसरा मोड, थर्ड मोड, ये 3-4 मोड आते हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी डिफ़ॉल्ट वाले ही मेरे को पसंद है, तो इसी को रखते हैं। डिस्प्ले मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जो आप जो भी आपका मन करे। और ये न्यू नोटिफिकेशन ऑन द डिस्प्ले नोटिफिकेशन, अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो नोटिफिकेशन पता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं पता चलेगा। तो ये स्क्रीन ऑन का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, यहाँ पर आपकी बैटरी भी बचेगी, सेव होगी, क्योंकि हमेशा स्क्रीन ऑन नहीं रहेगी। तो ये था हमारा थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर की तरफ बढ़ते हैं, ये जो है हमारा थीम। तो मैं इसकी आपको थीम्स दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। देखिए यहीं पे ये डिस्प्ले में, सेटिंग में, डिस्प्ले में, थीम में, यहाँ पे इस पे थीम पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल होती है हमारी लाइट थीम। देखिए आप स्क्रीन पे, ये नॉर्मल है, ये लाइट थीम है ये हमारी। तो ये तो नॉर्मली मोबाइल में आती है, आजकल आपको पता होगा डार्क थीम का बहुत क्रेज़ है, और कलरफुल और डार्क। तो कलरफुल में तो नॉर्मल कलरफुल हो जाएगी, उसमें तो आपको जब मोबाइल यूज़ करेंगे तभी समझ में आएगा, तो वो आप खुद करके देख सकते हैं। मैं आपको डार्क थीम में, जैसे पहले मोबाइल था, मैं आपको दिखा देता हूँ ये डार्क थीम क्या है।
इसमें ब्लैक पूरा ही हो जाएगा, इससे आपकी बैटरी बहुत सेव होती है, काफ़ी सेव होती है इसमें। और इसके साथ में यहाँ पे एक फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है एडिशनल में, ये डार्क थीम तो हो ही गई लेकिन इसके साथ में यहाँ पे एसेंट कलर का ये फीचर है। इस पर आप देखिए, ऐसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पीछे सब रेड आ रहा था क्योंकि यहाँ पे रेड सेलेक्ट है। अगर मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये लाइट ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए कस्टमाइजेशन और डिस्प्ले साइज़ ये यहाँ पे देखिए ब्लू कलर में हो गए। अगर मैं इसको रेड कर लेता तो पहले की तरह ये रेड हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें कस्टमाइजेशन का इतना अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे थीम में डार्क मोड के साथ। तो ये था हमारा फोर्थ फीचर। अब फिफ्थ फीचर की तरफ है डॉल्बी एटमोस। तो ये तो आपको पता ही होगा डॉल्बी एटमोस क्या होता है, नॉर्मली अब तो काफ़ी मोबाइलों में आने ही लगा है, पर यहाँ भी एक स्पेशल चीज़ है कि ये डॉल्बी एटमोस में, एक तो 1+7 में, स्पेशली 1+7 से 7 7 प्रो, 7T, अब 7T प्रो आएगा, तो इन सब में डबल स्टीरियो स्पीकर आने लगे हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ एक तरफ सिंगल स्पीकर होता था, और यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं होता है तो उसकी जगह एक दूसरा स्पीकर होता है, तो सारी वॉल्यूम यहाँ पे हमारी डबल हो जाती हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मैं आपको दिखा देता हूँ डॉल्बी एटमोस, देखिए डॉल्बी एटमोस है ये, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाके डॉल्बी एटमोस। अब यहाँ पे अब देखिए आप डायनामिक मूवी और म्यूज़िक, यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। जैसे आप मूवी देख रहे हो तो आप मूवी देख सकते हो, तो मूवी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे लिखा है, जैसे आप पढ़ सकते हैं, एंजॉय द सिनेमेटिक एक्सपीरियंस विद रियलिस्टिक सराउंड साउंड एंड क्लियर डायलॉग, तो आपको ये मूवी एक्सपीरियंस को एनहांस करेगा। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो म्यूज़िक पर सेलेक्ट कर लो, तो आप वो एनहांस करेगा। डायनामिक पे रखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपने आप जज करेगा कि ये क्या चल रहा है, म्यूज़िक है, मूवी है, जो भी है, उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एनहांस करेगा। तो डायनामिक पे रखते हैं इसको। तो ये एक इसमें एक्स्ट्रा फीचर था, डॉल्बी एटमोस सब में होता है पर ये थोड़ा एक्स्ट्रा था इसलिए बता दिया। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, गेस्चर। तो गेस्चर आप देख सकते हैं, ये सेटिंग में जाके बटन एंड गेस्चर। अब यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे अलर्ट स्लाइडर, ये 1+ में साइड में ये बटन आता है, और ये जो 1+ है कि शान भी कहा जाता है, इसमें ये तीन मोड होते हैं। ये स्लाइडर बटन से ही इसके अंदर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, ये जो मैं ऊपर जो पैनल है इसमें भी यहाँ पे मोबाइल को साइलेंट और वाइब्रेशन पे करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, जनरली सभी मोबाइल में होता है पर यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका साइड में अलर्ट स्लाइडर बटन अलग से गिवन है, यहीं से आप डायरेक्ट साइलेंट, वाइब्रेशन और जनरल मोड में डाल सकते हैं। ये 1+ की शान कहा जाता है। और यहाँ पे सेकंड, ये जो नेविगेशन बार एंड गेस्चर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट मोड है, आप स्क्रीन पे देखिए, तो ये नॉर्मल मोड है। इसमें देखिए स्क्रीन पे नीचे हमारा बैक बटन आ चुका है, बीच वाला होम बटन, साइड वाला रिसेंट बटन, राइट साइड वाला, तो ये आपको पता ही है नॉर्मली मोबाइल में होता है, तो सबको पता ही होगा। सेकंड वाला ऑप्शन आप स्क्रीन पे देखिए, इस तरीके से वर्क करेगा। अगर बीच में से उसको सेंटर से लेके ऐसे अप करेंगे तो यहाँ पे ये होम स्क्रीन पे चला जाएगा। ये भी अच्छा है लेकिन पर्सनली मेरे को सबसे बेस्ट लगता है एक थर्ड ऑप्शन जो मैंने रखा हुआ है, नेविगेशन गेस्चर। तो इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से अप करेंगे तो बैक हो जाता है, अगर सेंटर में से अप करेंगे तो होम पे चला जाएगा, अगर सेंटर में से अप करके होल्ड कर देंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, आप स्क्रीन पे देखिए इस तरीके से, तो ये रिसेंट पे जाएगा। और ऐसे ही एक इसमें भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं उसमें एक्स्ट्रा है ये, कि ऐसे हम सेंटर में से अप करके और राइट स्वाइप कर देंगे तो ये प्रीवियस ऐप को ओपन कर देगा, और लैंडस्केप मोड में भी सेम तरीके से वर्क करेगा। और मोबाइलों में बैक होता है लेफ़्ट या राइट की तरफ से, यहाँ पे नीचे की साइड से ही बैक होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे गेस्चर का सिस्टम। तो ये था हमारा सिक्स फीचर गेस्चर। और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, गेमिंग मोड और फनेटिक मोड, और इसमें एक जैन मोड भी है, मैं आपको उसी में बता देता हूँ। ये तो ये भी काफ़ी स्पेशल फीचर है, ये भी बहुत स्पेशल फीचर है कह सकते हैं ऑक्सीजन ओएस का। तो ये यूटिलिटीज़ में जाके आता है ये ऑप्शन गेमिंग मोड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेमिंग मोड में ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर कॉल वॉइस पर, अगर जैसे आप गेम खेल रहे हैं अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो आप स्पीकर पे बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई भी गेम खेल रहे हो, कॉल आ जाती है तो आप उसको कॉल को रिसीव कर लीजिए, देन वहाँ से आप बात कर सकते हैं, फिर वहीं से कट कर दीजिए और आपका गेम नॉर्मल चलता रहेगा। दूसरा है ऑप्शन देखिए, हाउ टू शो नोटिफिकेशन। अब इसमें भी तीन ऑप्शन है, हेड्स अप मतलब जैसे नॉर्मल आप स्क्रीन पर देखिए, देखिए ऐसे नोटिफिकेशन आ गया,
टेक्स्ट ओनली केवल मैसेज लिखा आ जाए या ब्लॉक नोटिफिकेशन कोई आए ही नहीं। और तीसरा ऑप्शन नोटिफिकेशन फॉर थर्ड पार्टी कॉल्स। अब देखिए आप यहाँ पे कि बहुत सारे मोबाइलों में ये फीचर होते हैं, इससे पहले मैं ऑनर प्ले भी यूज़ करता था, तो वहाँ पे क्या होता था कॉल तो ब्लॉक हो जाती थी लेकिन थर्ड पार्टी से अगर कोई कॉल करता है, फॉर एग्जांपल कोई व्हाट्सएप पे किसी ने वीडियो कॉल वॉइस कॉल कर ली या हाइक से कर ली या किसी से भी कर ली किसी भी ऐप से, तो उस कॉल को ब्लॉक नहीं कर पाता था। यहाँ पे इस उन कॉल को भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो थर्ड पार्टी से भी कोई कॉल नहीं आएगी। एक और ऑप्शन है यहाँ पे डिसेबल ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, मतलब जैसे आपने कोई ऑटोमेटिक कुछ भी ब्राइटनेस रखी हुई है मोबाइल की तो वो तो जनरली लाइट के हिसाब से अप डाउन होती रहती है। तो अभी ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि आप उसी तरीके से अप डाउन गेम खेलते में भी चाहते हैं या एक कॉन्स्टेंट चाहते हैं, तो बस ये उसी के लिए। एक और ऑप्शन यहाँ पे गेमिंग डिस्प्ले एनहांसमेंट, मतलब इसको आप ऑन रखेंगे तो आपका जो डिस्प्ले होगी गेम खेलते टाइम पे वो और एनहांस हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। अब इसमें भी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि ऑक्सीजन ओएस में हर फीचर का जो नॉर्मली मोबाइल होता है उसका कुछ ना कुछ एडवांस वर्जन होता है। तो यहाँ पर गेमिंग मोड में है फेनेटिक मोड, इसमें क्या होता है ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एडवांस डीएनडी एनहांस प्रोसेसर रेगुलेटर नेटवर्क एनहांसमेंट, मतलब ये यहाँ पे सब कुछ आपका ब्लॉक कर देगा, बैक साइड से बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं चलेगी और पूरी की पूरी रैम को ये गेमिंग में डाल देगा, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कमाल का हो जाएगा और पीछे से डिस्टर्बेंस पूरा का पूरा ये ख़त्म कर देगा, हर चीज़ को ये ब्लॉक कर देगा, पूरी की पूरी रैम सिर्फ गेमिंग में यूज़ होगी। तो ये है गेमिंग मोड का फेनेटिक मोड। इसको ऑन करने के लिए आपको गेमिंग मोड ऑन करना कंपलसरी है, अगर आप गेमिंग मोड ऑन नहीं रखेंगे तो फेनेटिक मोड ऑन नहीं हो पाएगा। तो आप जब भी गेम खेलें गेमिंग मोड को ऑन कर सकते हैं, और आपको और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए गेम का तो आप फेनेटिक मोड को भी ऑन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ऐसे ये अब यहाँ पे किसी भी आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी क्लैश ऑफ क्लेन और फ्री फायर पबजी मोबाइल फ़िलहाल में जो मैं गेम खेलता हूँ मैंने इनको यहाँ पे डाल लिया है। यहाँ पे एक मोड और है, देखिए नोटिफिकेशन पैनल में जाके यहाँ पे लिखा रहा है ये जेन मोड, मैं इसको इनेबल करके नहीं दिखाऊंगा। एक्चुअली ये काफ़ी स्पेशल मतलब काफ़ी स्पेशल मोड है, किसी मोबाइल में नहीं देखा मैंने आज तक। इसको इनेबल करने से क्या होगा कि आपका मोबाइल 20 मिनट्स के लिए लॉक हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा मींस ऐसे लॉक नहीं होगा, मोबाइल चलेगा लेकिन कोई भी नोटिफिकेशन कॉल और ये सब चीज़ ब्लॉक हो जाएंगी। मतलब ये उन लोगों के लिए है जैसे जिसको कोई स्पेशल काम करना है कोई ऑफिस में और उनको एकदम अर्जेंट काम करना है और वो नहीं चाहते कि उन्हें बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस हो, तो ये 20 मिनट्स के लिए आपका फ़ोन लॉक कर देगा। इसमें आप इमरजेंसी कॉल्स कर सकते हो और ये 20 मिनट के लिए आपके मोबाइल को लॉक कर दे। नेक्स्ट फीचर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो है हमारा रैम बूस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ रैम बूस्ट, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो ये आता है यहाँ पर सिस्टम में जाके रैम बूस्ट, इसमें क्या होता है इसको ऑन करने से क्या होता है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाय लर्निंग हाउ यू यूज़ योर फोन रैम बूस्ट कैन प्रिडिक्ट एप्स यू वांट टू लॉन्च एंड डेटा टू लोड टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ द रैम कैपेसिटी टू स्पीड अप द परफॉर्मेंस ऑफ योर डेली यूजेस। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे जैसे मोबाइल को मैं यूज़ करता जाऊँगा तो ये अपने आप से खुद से ये फिल्टर करेगा कि मैं कौन सी ऐप ज़्यादा यूज़ करता हूँ और कौन सी ऐप को नॉर्मली फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ। तो उसी हिसाब से उन ऐप को जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ उनको ये अपने एक स्टोरेज में सेव रखेगा जिससे कि मैं नेक्स्ट टाइम ओपन करूँ तो वो फास्ट खुले, और जिनको मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ कम यूज़ करता हूँ जिन ऐप को उनको ये किल कर देगा। उससे क्या होगा हमारा रैम मैनेजमेंट अच्छा होगा, जो चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ उनका एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिलेगा, जो चीज़ मैं कम यूज़ करता हूँ उनको ये किल करके और चीज़ों में रैम वो यूज़ हो सकती है, तो रैम बचेगी हमारी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा। नाइन्थ फीचर है डबल टैप टू वेक और लॉक। इसके लिए हम फिर से सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में बटन एंड गेस्चर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे क्विक गेस्चर में जाएंगे, और यहाँ पे ये आप ये देख सकते हैं डबल टैप टू वेक, अगर इसको ऑफ रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऑन कर रखते हैं तो यहाँ पे डबल टैप करने पर वेक हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने मोबाइल को लॉक किया और यहाँ पे ये डबल टैप किया और फिर इसके बाद में ये फेस अनलॉक से मेरा खुल गया। ऐसे ही इसमें और भी फीचर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी ऐसी यहाँ पे है म्यूज़िक कंट्रोल, ये सारे स्क्रीन ऑफ गेस्चर हैं, तो मैं आपको एक एक करके सारे दिखा देता हूँ। इसमें म्यूज़िक कंट्रोल जिसमें आप डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं ये पॉज का सिंबल होता है, इसको आप ड्रॉ करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा, और यहाँ पे ये एरो बनाएंगे लेफ्ट साइड वाला तो ये प्रीवियस और ये वाला नेक्स्ट। अब मैं आपको ये तो दिखा नहीं पाऊँगा तो नेक्स्ट फीचर दिखाता हूँ मैं आपको, ड्रॉ ओ।
इसमें मैंने कैमरा सेट कर रखा है वी में फ्लैश लाइट, एस और एम में कुछ नहीं कर रखा, डब्लू पे व्हाट्सएप। अब मैं आपको स्क्रीन ऑफ करके ही वन बाई वन सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन में, मैं यहाँ पे ओ मैंने यहाँ पे करा और यहाँ पे कैमरा ओपन हो गया। ऐसे ही मैंने वी पे यहाँ पे फ्लैश लाइट सेट कर रखी है। तो मैं आपको वी दिखाता हूँ, इसको फिर से मैंने लॉक कर दिया और वी ऑन किया, तो देख सकते हैं फ्लैश लाइट ओपन हो गई है। और दोबारा वी कर दूंगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी। फिर से वी किया ऑन हो गई, फिर से वी किया ये फिर से ऑफ़ हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट फीचर मैंने आपको दिखाया था डब्लू पे व्हाट्सएप सेट कर रखा, तो मैं डब्लू कर रहा हूँ, ये डब्लू मैंने किया और ये यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन हो गया। ऐसे ही इसमें एक फीचर और है डबल टैप टू लॉक। जैसे मैंने ये मोबाइल ऑन किया, इसके बाद मैं यहाँ पर डबल टैप करूँगा तो वापस लॉक भी हो जाएगा। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ पे लॉक हो गया। मैंने फिर से ऑन किया और इस पर डबल टैप किया तो ये लॉक हो गया। मैं इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन पे ही होम सेटिंग में जाकर होती है डबल टैप टू लॉक। आप देख सकते हैं ये मैंने ऑन कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने 10th फीचर की तरफ। तो 10th फीचर है हमारा क्विक लॉन्च। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने मोबाइल को लॉक किया, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ पर ये मेरा स्क्रीन फिंगरप्रिंट आ गया यहाँ पर। और मैं इसको देर तक टच करूँगा जब तक लॉक खुलने के बाद ही मेरे को इसे टच रखना है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे शॉर्टकट ये ऐप आ गई हैं, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई भी ऐप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं इसको जहाँ पर छोड़ दूँगा वहीं पर ये ओपन हो, जैसे न्यू नोट पर मैं देखिए यहाँ पर, मैं अब इसको यहाँ पर न्यू नोट खुल गया। जब भी आप कहीं शॉप पे पे करने जा रहे हो तो शॉर्टकट से आप तुरंत आप पेटीएम खोल के आप पे कर सकते हो। आपको मोबाइल अनलॉक करो फिर पेटीएम ओपन करो, ये नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर था। तो 11th फीचर है स्मार्ट कॉल बैक। तो ये इसके लिए आपको कॉल सेटिंग में जाना होगा। आप देखिए स्क्रीन पर, मैं यहाँ पर डायल में डायलर में गया, देन यहाँ पर सेटिंग में गया, इसके बाद सिम एंड नेटवर्क में गया। तो ये सब मेरे डिसेबल हैं क्योंकि मोबाइल में सिम नहीं है। तो ये लास्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं स्मार्ट कॉल बैक लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आप सबसे लास्ट में ये स्मार्ट कॉल बैक। इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास कोई भी पर्सन कॉल करता है तो आपके पास मोबाइल में 2 सिम है, तो वो कभी कोई पर्सन फर्स्ट पे भी कर सकता है, कोई सेकंड पे भी कर सकता है। आप नहीं चाहते कि आपका सेकंड वाले के पास फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले के पास सेकंड वाले का नंबर पहुँचे, क्योंकि कई लोग अपने बिजनेस और पर्सनल नंबर अलग रखना चाहते हैं। तो फिर अगर आपके पास सेकंड सिम पे कॉल आई है और आपने फर्स्ट से वापस उसको कर दिया तो आपका वो नंबर उसके पास पहुंच गया। तो ये उन लोगों के लिए है स्पेशली। तो स्मार्ट कॉल बैक को इनेबल करने से क्या होगा, जिस सिम पे कॉल आई है, अगर सिम 1 पे किसी ने कॉल किया और आप कॉल बैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिम 1 से ही जाएगी, अगर किसी ने 2 पे की है तो ऑटोमेटिकली 2 से ही जाएगी। अगर डिसेबल रखेंगे तो जो आपने डिफ़ॉल्ट सेट कर रखी है उसी पर जाएगी। जैसे आपने सेकंड सिम पे से कर रखी है तो हमेशा सेकंड सिम से ही डायल होगा। तो नेक्स्ट और लास्ट फीचर है ये 12th फीचर, क्विक रिप्लाई इन लैंडस्केप। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये, इसके लिए भी आप सेटिंग में जाएंगे, सेकंड में जाने के बाद ये यूटिलिटीज़ में, यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे क्विक रिप्लाई इन लैंडस्केप। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इंट्रोडक्शन में ये जो पिक दिखा रहा है कि इस तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आया और ये लेफ़्ट साइड में से, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे आया तो ये लेफ़्ट साइड में, स्क्रीन की लेफ़्ट साइड में ये यहाँ पर आ जाएगा मैसेज, और राइट साइड में कॉर्नर में आपका वर्चुअल कीपैड आ जाएगा। तो आप यहाँ से रिप्लाई कर सकते हैं, आपका गेम कॉन्टीन्यूस बैकग्राउंड में चल रहा है और आप यहाँ पर नोटिफिकेशन आया, आपने रिप्लाई कर दिया और वो स्क्रीन वहाँ से हट जाएगी। तो इससे आपके गेमिंग एक्सपीरियंस में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो गाइस कमेंट में बताना कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी और ये फीचर, आपका पर्सनल फेवरेट फीचर आपका कौन सा था। जैसे मैंने बताया मेरा क्विक लॉन्च था, तो आपका कौन सा पर्सनल फेवरेट था आप भी बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन में जाके ऑल कर देना, जिससे कि आपको कोई भी नेक्स्ट आगे की वीडियो होगी उसका तुरंत आपको अपडेट मिल जाए। तो हैप्पी दशहरा गाइस, टेक केयर, बाय बाय।